नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल आईटेक संसार में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड के रिजल्ट से जुड़ी एक अपडेट देना चाहता हूँ। आपको पता ही है कि यूपी बोर्ड के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है, अर्थात उनकी परीक्षाओं को रद्द करके उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। तो आइए बात करते हैं कि उनको कैसे उनको नंबर दिया जाएगा, अर्थात उनकी मार्किंग कैसे होगी। आपको बताते चलें कि यूपी बोर्ड में लगभग 27 लाख छात्र बैठने वाले थे और उनका पेपर रद्द हो गया है, तो उनको आगे की कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। अब बताते चले कि कैसे प्रमोट किया जाएगा। उनको हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा और 11वीं की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक के औसत के आधार पर किसी परीक्षार्थी का रिजल्ट तैयार होगा। अगर 11वीं की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक उपलब्ध नहीं होंगे तब कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रयोग किया जाएगा। जिन संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के कक्षा 10, 11 अथवा 12 के प्री बोर्ड के प्राप्तांक नहीं होंगे उन्हें बस सामान्य रूप से प्रमोट किया जाएगा, उन्हें केवल प्रमोशन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपका रिजल्ट कैसे आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।